गांधीसागर तालाब स्थित मौलाना नाते चौक समीप एक स्ट्रीट लाइट का खंभा है और इस स्ट्रीट लाइट के खंभे के नीचे एक खुली डिपी खुले में पड़ी है, जिससे कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। प्रशासन इस ओर ध्यान दे, ऐसी मांग परिसर के लोग कर रहे हैं। शहर में स्ट्रीट लाइट लगने से वाहन चालकों को इसका फायदा हो रहा है। सड़क पर उजाला होने से दुर्घटनाओं में कमी आई है, लेकिन अफसोस कि शहर की जो स्ट्रीट लाइट उजाला दे रहे हैं, वही स्ट्रीट लाइट के पोल के नीचे की डीपी की लचर हालत हुई है। डीपी की स्विच और इलेक्ट्रिक वायर सड़क पर खुली स्थिति में पड़े हैं, जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। खुले डीपी का यह नजारा गांधीसागर तालाब स्थित मौलाना नातिक चौक का है। प्रतिदिन इस रोड से कई वाहन धारक और पैदल चलने वाले लोगों का रोजाना आना जाना रहता है। इस ओर मनपा प्रशासन और महावितरण कंपनी ने ध्यान देना बेहद जरूरी है, वरना आने वाले दिनों में इसकी चपेट में आकर लोगों की मौत भी हो सकती है। इस डीपी से इलेक्ट्रिक का सप्लाई होता है। लापरवाह अधिकारी भी इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर इस खुली डीपी से कोई हादसा होता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये सवाल अब शहरवासी मनपा प्रशासन और महावितरण विभाग से कर रहे हैं। इस बारे में लोगों ने बीसीएन समक्ष जानकारी दी। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी बात है जो सबके घरों में रोशनी करती है, और आए दिन लोगों को महावितरण कंपनी की ओर से काफ़ी बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं, और शहर के नागरिक है कि ऐसे बिलों की परवाह न करते हुए जो बिजली का बिल है वो भी भर रहे हैं। कई विरोध हो रहा है तो कई समर्थन भी हो रहा है, मगर मैं एक बात आपको ध्यान में लाके देना चाहता हूँ कि इस समय में बीसीएन की टीम गांधीसागर तालाब के उस छोर पर खड़ी है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रीट लाइट है, और यहाँ ये थोड़ा देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक के कुछ ऐसे स्विच विच बाहर निकले हुए हैं। यह ये वही रोड है, वीआईपी रोड भी इसे कहते हैं, जहाँ पे आमदार हो, विधायक हो, खासदार हो, पार्षद हो और स्कूली बच्चे हो, यहीं से उनका आवागमन रहता है। ऐसे में इस तरह से लचर हालत में इलेक्ट्रिक का ये पुल के नीचे में एक छोटी डीपी जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये काफ़ी खतरनाक है। ये देखिए वायर यहाँ तक आ चाहिए, सड़क के ऊपर में ये स्विच गिरे हुए है, मगर यहाँ पे किसी भी विभाग का ध्यान नहीं है और इससे बहुत बड़ी हानि भविष्य में हो सकती है। इस ओर महावितरण या संबंधित विभाग ध्यान दे और जल्द से जल्द इसका सुधार करे, और इस तरह के लचर हालत में ये जो इलेक्ट्रिक के बोर्ड और डीपी पड़ी है इसका सुधार करे, नहीं तो बहुत बड़ी जीवित हानि हो सकती है। और इस ओर प्रशासन ध्यान दे, यही समय की मांग है। कुछ नौजवान साथी हमारे साथ में आइए, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से लचर हालत में ये डीपी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये वाकई में चिंता का विषय है। और मेरा रहना इसी एरिया में है। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे आपने कहा कि रोशनी के लिए जाना जाता है इलेक्ट्रिसिटी, बट हाँ ये कारण बहुत सारे घरों में या कुछ घरों में अंधेरे का कारण बन सकता है हमेशा के लिए। ये वो जगह है कि जहाँ पे बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, और जिस तरह से आपने हालत देखा है, जहाँ पे यदि बिजली का करंट आ गया, क्योंकि हम ये गेस नहीं कर पाएंगे, और अभी बारिश यदि हो जाती है, ऐसे समय बहुत बड़ी हानि हो सकती है जो कभी भी भर के नहीं निकलेगी। काफ़ी बार हमने ये बताने की कोशिश भी किया है, लेकिन इस पर कोई भी काम नहीं हुआ है। सो ये बाय हार्ट रिक्वेस्ट है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जहाँ पे आसानी से हो सकता है और किसी की भी जीवित हानि ना हो, क्योंकि हम कुछ फाइनेंशियल लॉसेस है वो हम भर के निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये वाकई में प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों में ध्यान दें, इसे जल्द से जल्द ठीक करें। प्रशासन ने जल्द से जल्द ध्यान दे, ऐसी गुहार शहर के नागरिकों ने लगाया। अब देखना ये होगा कि मनपा प्रशासन इस ओर किस प्रकार का कामकाज करती है, मगर एक बात तो तय है कि स्वच्छ नागपुर सुंदर नागपुर के नाम पे डंका पीटने वाली, डिंडोरा पीटने वाली मनपा प्रशासन अपने गिरेबान में झांक के देखे, और उनसे ये संबंधित जो विभाग है वो अपने गिरेबान में झांक के देखे और देखे कि हम अपना कितना कामकाज कर रहे हैं। इस प्रकार की खुली डीपी सड़क को मौत का आवतन दे रही है, निमंत्रण दे रही है। इस ओर ध्यान दे और जल्द से जल्द इसका सुधार करे, यही शहर की जनता चाहती है। गांधीसागर तालाब के इस खुले डीपी से कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, बीसीएन न्यूज नागपुर।